हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लॉन्ग एंड थिक हेयर पे कटिंग बताने वाली हूँ। फाइनल रिजल्ट आप पहले ही देख सकते हैं, और बिना कटिंग के कुछ इस तरीके से इनका हेयर है। बहुत ही प्यारा हेयर है। हेयर को हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे, स्ट्रेट पार्टिंग करते हुए सामने की तरफ लेके जाएंगे, और ये कटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। उसके बाद में कोम कैसे करना है, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हम लेज़र कटिंग के लिए नीचे डाउन करते हुए कोम करते ना, सेम वैसे ही आपको नीचे की तरफ डाउन करते हुए कोम करना है। और यहाँ पे हम इसे तिरछा कट करेंगे। ये देखिए, तिरछा कटिंग करेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि लेंथ भी अच्छे से मेंटेन रहेगी और कटिंग में बहुत ही सुंदर सा शेप भी आ जाएगा। तो ये एक साइड का कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। कोमिंग करने का तरीका आपको गलत नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे लेज़र के समय पे हम नीचे झुकाते हुए कोम करते, सेम वैसे आपको करना है और तिरछी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से ये दोनों तरफ कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने से ही वी कटिंग का शेप बहुत ही परफेक्ट आ चुका। तो इस कटिंग को और सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। इससे क्या होगा कि कटिंग का शेप जो है बहुत ही एकदम परफेक्ट दिखेगा, कहीं से भी आपको अनइवन नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सेंटर मतलब बीचों बीच से हेयर को आपको उठाना है, उसे बराबर कट करना है और साइड वाले हेयर को तिरछा कट कर देना है। तो शेप तो ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ आपको उसी शेप में फिनिशिंग मतलब हल्का हल्का सा जो भी अनइवन दिखेगा उसे ट्रिम करते हुए चले जाना। डायरेक्ट वी कट की भी मैंने वीडियो डाली हुई है कि पीछे से आप किस तरीके से करें, लेकिन ये कटिंग खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम हम जब भी कटिंग करते हैं तो एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा हो जाता। तो इस बात को लेके आप कटिंग करने से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जिस तरीके से अभी मैं आपको बताई हूँ कि पहले सामने ले जाके कटिंग करेंगे, उसके बाद में बैक से हल्की सी फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि सामने से जब भी आप कटिंग करोगे तो उसमें शेप आ जाएगा। इसी तरीके से आप यू कटिंग भी कर सकते हैं। यू कटिंग करना है तो आप थोड़ा सा कम तिरछा करेंगे। अगर आपको वी कटिंग करना है तो आप डीप में बिल्कुल गहराई से उसे तिरछा कट कर देंगे, तो शेप आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे से इस तरीके से फिनिशिंग दे देना है, दोनों साइड एक ही जैसे कंप्लीट कर लेना है। और कटिंग कोई भी हो, अगर आप यू कट या वी कट में भी स्टेप्स वाली सेटिंग देना चाहते हैं तो आप इसे आउट कर्ल्स के रूप में राउंडर ब्रश की हेल्प से सेट कर सकते हैं, तो इस पे भी बहुत ही अच्छा सा स्टेप्स लुक आ जाएगा। और वैसे तो वी कटिंग में भी ना बहुत प्यारा लुक आ जाता है, हल्का सा क्लिप या पोनी बनाने पे भी ना आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा सा लेयर टाइप का लुक दिखता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ एक ही जैसे कंप्लीट कर लेना। मैं कोई सेटिंग वगैरह नहीं करूँगी, ऐसे ही आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। सेटिंग की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। और सेटिंग मैं इसलिए स्किप करें क्योंकि मैं सेटिंग कर नहीं रही हूँ। जैसे ड्राई हो जाएगा हल्का सा पैडल ब्रश जो है मैं इस पर चला दूंगी, 3 से 4 बार रिपीट करके, और हल्का सा ऐसे कोम की हेल्प से ही इन कर दूंगी, तो ऐसा लगेगा कि इसमें सेटिंग हो चुकी है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं आपको ऐसे ही गीले में कोम करके दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप आ चुका है। और जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें आप 3-4 बार पैडल ब्रश को अच्छे से चला देंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि सेट हो चुका, क्योंकि इनके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके लिए सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए मैं आप सबको जो है फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से ड्राई होने के बाद में। सो गाइस, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक ले